समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को कैसे पता करना है, क्या तरीका है। तो आज नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे चैनल को और ब्रेन अवर लाइफ। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। बहुत सारे लोग जो मेरे को मिलते हैं वो ये कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें ये पता ही नहीं कि हमें साइकोलॉजिकल बीमारी हो भी गई है या नहीं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को कैसे पता करना है, क्या तरीका है। तो आज मैं 5 पॉइंट आपसे शेयर करूंगा। अगर ये 5 पॉइंट्स में जो 5 सिम्टम आपके पास आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। और दिक्कत क्या है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आप जब भी डॉक्टर पे जाते हैं आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आएंगी, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, ये चीजें नॉर्मल आएंगी और फिर भी आपको प्रॉब्लम लगेगी, बॉडी एक पेन लग सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो आप बेसिक पॉइंट है, अगर उनमें से एक पॉइंट भी आप में है तो डेफिनेटली आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए और बात करनी चाहिए कि ये मेरा प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, कब से आ रहा है और कैसे ठीक हो सकता है। चलते हैं जर्नी पे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 5 पॉइंट की। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हाई मूड स्विंग। आप हाई मूड स्विंग से सफर होते हो। अब मूड स्विंग मींस, सिंपल भाषा में मूड स्विंग क्या है? इंपल्सिव बिहेवियर। सडनली आपको लगेगा बहुत ज्यादा खुश हो गए, सब लोग घर के भी खुश, अरे हमारा बच्चा बहुत खुश है, और अगर बड़े हैं आप तो हस्बैंड खुश, वाइफ खुश है, या वाइफ खुश, मेरा हस्बैंड खुश है, सडनली। और फिर सडनली कभी कभी सैड हो जाएंगे, पेन फील करेंगे और ऐसे ही बिना कंसंट्रेशन के आप काम करने लगेंगे। और पेन पूरी बॉडी में हो सकती है, स्पेशली सर में, आपके शोल्डर्स में, स्टमक में, चेस्ट में, लेग्स में, ये सारी पेन एरिया शुरू हो जाएंगे। और जब आप कोई मेडिकल रिपोर्ट कराओगे तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, एवरीथिंग विल बी कम फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है, रिपोर्ट कहेगी सब ठीक है, फिर भी है। तो कई बार आपको डॉक्टर बोल देगा किसी साइकोलॉजिस्ट से दिखा लीजिए। और अगर आपकी वो स्टेज अभी नहीं आई है और पहली स्टेज में है, सेकेंड में भी आप हॉस्पिटल भी नहीं गए हैं, तो ये सिम्टम आपको बता रहा है कि आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मूड स्विंग जो आपके हो रहे हैं इन पे आपको इमीडिएटली काम करना चाहिए और नहीं चाहिए। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, हाई एंगर और फ्रस्ट्रेशन। सेकंड पॉइंट में क्या है कि आप हर छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा कर लेते हो और बाद में उस पर रिग्रेट भी करते हो, अरे यार इतने गुस्से की तो बात ही नहीं थी, मुद्दा ही नहीं था, पर कर लिया, क्या कर सकते। और अगर आपने कर लिया तो उसके रिजल्ट्स भी होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फैमिली में डिस्प्यूट पैदा होंगे, पेरेंटल डिस्प्यूट हो सकता है, वाइफ के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, और प्रोफेशनल डिस्प्यूट भी होंगे, बॉस के साथ भी बनेंगे। तो हाई एंगर इज अ बिग प्रॉब्लम। और कभी कभी हम अनसोशल भी हो जाएंगे, गाली ग्लोज पे उतर आएंगे, ये वाला काम भी करते हैं। या फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी कि आप बोल भी नहीं पाएंगे, आपको बोलने में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो क्या करेंगे आप, रोने लग जाएंगे, हर छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देंगे। तो आप समझ लीजिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं, आइसोलेशन और एडिक्शन। या तो हम दीन दुनिया को छोड़ देंगे, हम फेस नहीं करेंगे, सोशली लोगों से कट ऑफ कर लेंगे, बात भी नहीं करना चाहेंगे, एक कमरे में बंद रहना चाहेंगे, नाइट ड्रेसअप करेंगे, बिल्कुल अनहाइजीनिक भी हो सकते हैं, ऐसी हालत में अकेले में बैठेंगे और अकेले में बैठ के क्या करेंगे, एडिक्शन पाल लेंगे। एडिक्शन बहुत तरह की हो सकती है, आपको ड्रग्स का एडिक्शन हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज का एडिक्शन हो सकता है, आपको सोशल मीडिया जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका एडिक्शन हो सकता है। तो जैसे जैसे एडिक्शन होगा आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी।
तो अगर ये एडिक्शन है, और एडिक्शन का पता कैसे लगता है, चलो ड्रग्स का और बाकी चीजों का तो आपको फिजिकली पता लग जाता है, अगर सोशल मीडिया का है तो आप एडिक्टेड मानिए अपने आप को। बड़ा ही सिंपल ढंग से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आज सुबह जैसे आप उठे हैं और आपने आंख अभी आधी खोली है बट आपका हाथ तुरंत फोन पे चला गया, आप देख रहे हैं कि बस सारा देश मेरे फोन ना देखने से रुक जाएगा, बिना देखे आप रह नहीं पाते हैं, तो समझ लो आप एडिक्टेड हो गए हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसोमनिया बोलते हैं इसको मेडिकल की लैंग्वेज में। स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया, आपको नींद ही नहीं आ रही, आप सो रहे हैं, हर दो घंटे बाद नींद टूट रही है, उठना पड़ रहा है और फिर दोबारा सोने से नींद नहीं आ रही है, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, या आपको नींद आ ही नहीं रही, आप सारी सारी रात जाग रहे हैं, जो बॉडी पूरी तरह टायर्ड हो गई तो आपको 4-5 बजे नींद आती है, तो ये डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और यह दूसरा ये है कि आप सोते ही रहते हैं, आप 24 घंटे में से 16 घंटे सोने में बिताने की कोशिश करते हैं, तो भी ये डिसऑर्डर है और आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, तो आप इसको हिसाब से अपने आप को जज कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, सेल्फ हार्म और हेलुसिनेशंस। सेल्फ हार्मिंग क्या है, हम कभी कभी नेगेटिव थॉट्स करते हैं, गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, अपना हाथ मार लिया दीवार में, गाड़ी मार दी कहीं, कोई उठा के चीज फेंक दी घर में, ये जानते हुए भी ये कॉस्टली खरीदनी पड़ेगी, तो मेरा फोन तोड़ दिया, प्लेट्स तोड़ दी, ठीक है, वो जब प्लेट फेंक रहे हैं तो दीवार पे मार रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन है, कभी कभी वो प्लेट उठा के अपने पे मार ली, तो ये सेल्फ हार्मिंग है। और दूसरा हेलुसिनेशन, आपको भूत दिखने लग गया, आपको लगा कि कोई भी ऐसी चीज है जो है नहीं पर आपको कंट्रोल कर रही है, जो हमें दिखती नहीं, या हम उन लोगों से बातें कर रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो हमें आके डिक्टेट कर रहे हैं, या हमें लगता है हमारे अंदर कोई है जो हमें डिक्टेट कर रहा है, तो भी आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो चुका है, तो इस पर आपको इमिजिएटली काम करना पड़ेगा वरना ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए था, होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, और इसमें कोई क्वेश्चंस हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डेफिनेटली वी विल रिवर्ट यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे और अवेयरनेस क्रिएट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आते हैं वो यही कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी है, जितने भी आपके ग्रुप में लोग हैं उनको भेजिए ताकि सबको ही पता रहे। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।